आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूवमेंट इन प्लांट। हमने प्लांट्स की जो है वो मूवमेंट देखनी है। और आपने जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक चीज होती है लोकोमोशन, मूवमेंट की एक स्पेशल टाइप है लोकोमोशन। लोकोमोशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना प्लेस चेंज करता है, एक जगह से दूसरी जगह अपनी लोकेशन चेंज कर लेता है, उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। अच्छा, प्लांट्स के अंदर लोकोमोशन तो नहीं होती, लेकिन प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट्स होती हैं। अगर आप देखें तो जो सनफ्लावर होता है वो अपनी मूवमेंट जो है वो सन के साथ साथ करता है। टच मी नॉट के लीव्स को आप टच करते हो तो उसके पत्ते बंद हो जाते हैं। इसी तरीके से फ्लावर ओपन होता है, फ्लावर क्लोज होता है, तो ये भी क्या है, ये भी मूवमेंट है। या प्लांट का जो स्टेम होता है वो जो प्लांट के स्टेम स्पेशली जो मूव करता है वो सनलाइट की तरफ जो है वो मूव कर ग्रो कर रहा होता है, तो उसको भी हम किस में लेते हैं, उसको भी हम मूवमेंट में लेते हैं प्लांट की। तो अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि मूवमेंट जो होती है वो किसकी वजह से होती है, स्टिमुलाई की वजह से होती है। मूवमेंट किसकी वजह से होती है, किसी भी स्टिमुलाई की वजह से मूवमेंट होती है। अब ये स्टिमुलाई इंटरनल एक्सटर्नल भी हो सकता है। अब ये स्टिमुलाई जो है वो इंटरनल भी हो सकता है। अब एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई क्या होते हैं, अब मिसाल के तौर पे देखें, आपको भूख लगी है, आपको जो है वो भूख लगी है, तो अब आपको जो भूख लगी है तो आपके अंदर से आपके इंटरनल जो है वो आपको डिमांड होगी किसकी, खाने की। तो आप क्या खाने की सर्च के अंदर मूव करोगे। मिसाल के तौर पे ये फूड रखा हुआ है, ये फूड है, और आपको जो है वो क्या कहना चाहिए, आप हंग्री हो, ये आपका स्टमक है एंड यू आर हंग्री। अब अंदर से एक स्टिमुलाय है जिसने आपको मूव करवाया किसकी तरफ, इस फूड की तरफ, तो ये मूवमेंट कौन सी होगी, इंटरनल, ये इंटरनल स्टिमुलाय है। लेकिन आप खाने को यहाँ पर देख रहे हो तो ये खाना कौन सा स्टिमुलाय होगा, ये होगा एक्सटर्नल स्टिमुलाय। तो अब डिपेंड आप पर करता है कि इस मूवमेंट के अंदर आप किस पर ज्यादा फोकस कर रहे हो। अगर आप अपने हंगर पे ज्यादा फोकस कर रहे हो तो ये कौन सा स्टिमुलाय है, ये इंटरनल स्टिमुलाय है, क्योंकि आप भूखे थे। और अगर आप कह रहे हो खाने की तरफ आप फोकस ज्यादा कर रहे हो तो ये कौन सा स्टिमुलाय है, ये है एक्सटर्नल स्टिमुलाय। तो मतलब मूवमेंट जो होती है वो इंटरनल स्टिमुलाय की वजह से भी होती है और एक्सटर्नल स्टिमुलाय की वजह से भी होती है। ये तो मैंने आपको ह्यूमन की बात करी। अब आ जाते हैं प्लांट्स के अंदर, हम बात करेंगे किसकी, प्लांट्स की मूवमेंट की जो है वो बात करेंगे। तो प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाय, प्लांट्स की मूवमेंट को भी हम किसकी बेस पे, स्टिमुलाय की बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाय वी कैन डिवाइड प्लांट मूवमेंट इनटू टू टाइप। वन इज ऑटोनॉमिक एंड अदर वन इज पैराटोनिक। ऑटोनॉमिक मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्टेनियस मूवमेंट और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, और पैराटोनिक मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूस। अब ऑटोनॉमिक मूवमेंट कौन सी मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट होती है विच इज ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई। ये प्लांट्स की जो मूवमेंट विच अकर ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई इज कॉल्ड ऑटोनोमिक मूवमेंट। ऑटोनोमिक मूवमेंट कौन सी हो गई, मूवमेंट ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई, यानी प्लांट के इनसाइड, प्लांट्स के अंदर से कोई चेंज आएगा जिसकी वजह से वो मूवमेंट होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ऑटोनॉमिक मूवमेंट या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। और ऐसी मूवमेंट जो के किसकी वजह से हो, जो के एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से हो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ऐसी मूवमेंट जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होगी उसको हम पैराटोनिक मूवमेंट कहते हैं।
वैसे तो मैंने आपको बताया कि मूवमेंट के अंदर दोनों ही किस्म के स्टिमुलाई इन्वॉल्व होते हैं, बाज दफा एक्सटर्नल और इंटरनल मिलकर एक साथ भी होते हैं, मगर डिपेंड करता है कि आप किस पर फोकस करके उस मूवमेंट को कौन से टाइप में जो है वो रखना चाह रहे हो। तो चलें सबसे पहले हम प्लांट की कौन सी वाली मूवमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कौन सी ऑटोनॉमिक जो है वो ऑटोनॉमिक मूवमेंट को जो है वो पहले डिस्कस करते हैं। चलें पहले प्लांट्स की कौन सी मूवमेंट की बात कर लेते हैं, ऑटोनॉमिक मूवमेंट की बात करते हैं प्लांट्स की, जो कि आपको पता है किसकी वजह से होती है, जो इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होती है। फिर ये जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में, एक ग्रोथ मूवमेंट, एक को ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं और दूसरी मूवमेंट वो है जिसको हम कहते हैं टर्गर मूवमेंट। एक कौन सी मूवमेंट है, एक है ग्रोथ मूवमेंट और दूसरी जो मूवमेंट है वो कौन सी मूवमेंट है, वो है टर्गर मूवमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ग्रोथ मूवमेंट जो है वो क्या होता है। अब देखो ग्रोथ मूवमेंट क्या है, इसको अगर आप डिफाइन करना चाहो तो इसको आप ऐसे डिफाइन करोगे, दीज मूवमेंट आर ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ, दीज मूवमेंट आर ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड ऑफ प्लांट ऑर्गन लाइक स्टेम रूट टेंड्रिल लीव्स। अब देखें These movement are due to unequal growth on two side of plant organ like stem, root, leaves. इसके अलावा भी tendrils, ये सब चीजें जो है वो हो सकते हैं दूसरे। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक देखें, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये एक प्लांट का स्टेम है, यंग स्टेम कह लें कि आप बिल्कुल एक यंग स्टेम। अब ये स्टेम जो है इसका एक ये इसके दो अपोजिट साइड हैं। अपोजिट साइड का मतलब एक साइड ये है और दूसरा साइड ये है। अब मिसाल के तौर पे इसका जो ये वाला साइड है इस साइड पर सेल की ग्रोथ ज्यादा होती है, यहाँ सेल की ग्रोथ ज्यादा हो रही है। जिस साइड पर ग्रोथ ज्यादा होती है उसका दूसरे साइड वाला एरिया जो है वो मूव कर जाता है उसके अपोजिट साइड पर। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सेल की ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो क्या होगा, ये जो इसका स्टेम है स्टेम की जो टिप है वो कहाँ की तरफ मूव कर जाएगी, वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे नीचे की तरफ मूव कर जाएगी, ऐसे नीचे मूव कर जाएगी। फिर क्या होगा, फिर ये ऊपर वाली साइड पर अगर सेल की ग्रोथ ज्यादा होगी ऐसे, तो फिर ये जो स्टेम होगा इसकी जो टिप होगी वो थोड़ी सी अपर साइड पे मूव करेगी ऐसे ऐसे। फिर ये नीचे की तरफ ग्रोथ ज्यादा होगी तो फिर मूवमेंट इधर होगी। तो अब आप देखें ये स्टेम ऐसी मूवमेंट हो रही है और स्टेम जिगजैग डायरेक्शन में ऐसे मूव करता है ऐसे। कभी किसी जो बेलें होती है ना, अक्सर जो बेलें होती हैं उनको आप देखिएगा वो ऐसे मूव कर रही होती हैं, उनकी टिप देखोगे तो उनकी टिप में ऐसे जिगजैग मूवमेंट होती है। अब आप देखो ये मूवमेंट जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, ग्रोथ की वजह से हो रही है। प्लांट के टू अपोजिट साइड, एक साइड ये हो गया और दूसरा साइड ये हो गया। जब ये अनइक्वल ग्रो करेंगे, जब ये वाला साइड ग्रो करेगा तो ऐसे बेंड हो जाएगा, फिर ये वाला साइड ग्रो कर रहा है तो दोबारा स्ट्रेट हो रहा है, फिर ये साइड ग्रो कर रहा है बेंड होगा फिर स्ट्रेट होगा। तो इस तरह से जो मूवमेंट होती है इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रोथ मूवमेंट। चलें एक मिसाल आपको और दे देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे ये एक फ्लावर है, ये फ्लावर की पेटल्स हैं,
ये क्या है, फूल की पेटल्स हैं। अब ये जो पेटल्स हैं, जब इनका ये नीचे वाला एरिया लोअर साइड, नीचे का साइड है ना, जब ये ज्यादा ग्रो करेगा नीचे की तरफ, तो ये फ्लावर क्या हो जाएगा, फ्लावर ऐसे क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ऐसे ये बंद होगी, ऐसे बंद करा देता हूं इसको, ये बंद होगी ऐसे। लेकिन अगर इसके पेटल का ऊपर वाला साइड ग्रो करेगा ऐसे, ये जिस जगह को मैं डार्क कर रहा हूं, तो ये फ्लावर दोबारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा ऐसे। ये देखें यहां पर, देखें बना देता हूं, ये देखें जब नीचे वाले साइड ने ग्रो किया तो ये बंद हो गया फ्लावर, और फ्लावर के पेटल के ऊपर वाले साइड ने ग्रो किया तो ये क्या हो गया, ये ओपन हो गया। मतलब ये इस तरह से अगर मैं एक वीडियो के साथ आपको जो है वो दिखाऊं, तो ये देखें फॉर एग्जांपल ये जो है वो एक फ्लावर है, सही है ना। अब फ्लावर का क्या होता है, जैसे ही फ्लावर जो है वो ये देखें, अब मिसाल के तौर पे आप समझें, ये फ्लावर का अपर साइड है, ये लोअर साइड है फ्लावर का, ये साइड कौन सा है, ये लोअर साइड है, और ये जो मेरे ऊपर वाला जो साइड है ना, ये कौन सा साइड है, ये अपर साइड है। अब देखो ये लोअर वाले साइड की जब ग्रोथ ज्यादा होती है तो ये फ्लावर बंद हो जाता है, फिर अपर साइड के जो पेटल्स होते हैं इनकी ग्रोथ ज्यादा होती है तो फ्लावर ओपन हो जाता है। तो इससे फ्लावर क्लोज हो रहा है और ये ओपन हो रहा है, ये भी तो मूवमेंट हो रही है ना। कुछ फ्लावर दिन के टाइम ओपन होते हैं, रात को क्लोज होते हैं, रात को क्लोज होते हैं तो दिन को ओपन हो जाते हैं। अब ये जो ओपन और क्लोज हो रहा है, ये एक तरीके से जो मूवमेंट हो रही है, ये भी एक मूवमेंट है, और ये किसकी वजह से मूवमेंट हो रही है, ये बेसिकली जो है वो ग्रोथ की वजह से। तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ग्रोथ मूवमेंट के अंदर जो है वो लेंगे। लेकिन अब देखें जो ग्रोथ मूवमेंट होती है, ये जो मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स दी हैं, एक स्टेम की टिप की दी है और एक फ्लावर के जो है वो पेटल की एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, तो ये क्या है बेसिकली, ये टू टाइप की, इन ग्रोथ मूवमेंट को भी फर्दर टू टाइप में डिवाइड किया गया है। एक जो है वो इसकी भी फर्दर टू टाइप्स हैं, इसकी जो फर्दर टू टाइप्स हैं, उन टू टाइप्स में एक जो होता है उसको कहते हैं नटेशन, और जो दूसरी टाइप है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नास्टिक मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट को फर्दर टू टाइप में डिवाइड किया है, एक नटेशन और एक नास्टिक मूवमेंट। ये जो मैंने आपको स्टेम की एग्जांपल दी थी, ये किस, ये क्या है, ये है नटेशन, और ये जो पेटल्स की एग्जांपल दी थी ये क्या है, ये बेसिकली जो है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नास्टिक मूवमेंट। चलिए हम इन ग्रोथ की टू मूवमेंट्स को, ग्रोथ मूवमेंट की टू टाइप्स को थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। ग्रोथ मूवमेंट, हमें पता है कि ग्रोथ मूवमेंट किसकी टाइप है, ये ऑटोनॉमिक मूवमेंट की टाइप है। अब ग्रोथ मूवमेंट को फर्दर डिवाइड किया गया है टू टाइप में, एक तो हो गया नेटेशन, एक नेटेशन हो गया और दूसरी हो गई नास्टिक मूवमेंट। सबसे पहले नोटेशन का देख लेते हैं कि नोटेशन का आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। नोटेशन का लिखा हुआ है द ग्रोथ ऑफ ग्रोथ इन द एपेक्स ऑफ यंग स्टेम टेक्स प्लेस इन zigzag manner, due to alternate change in growth rate इन ग्रोथ रेशो रेट ले लें, और इन ग्रोथ रेशो और ग्रोथ रेट ऑन अपोजिट साइड ऑन अपोजिट साइड ऑफ द एपेक्स, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड निटेशन। इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, निटेशन कहते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि ये एक यंग स्टेम है,
एपेक्स है, एक यंग स्टेम की क्या है, ये एपेक्स है, सही। इसको मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन, क्योंकि यंग स्टेम है, तो इसको मैंने यहाँ पर ये ग्रीन कलर दे दिया। अब आपको पता है कि इस स्टेम के जो है वो दो अपोजिट, इसके जो अपोजिट साइड है वो कौन से हैं, एक साइड ये है और दूसरा साइड ये है, ये इसके दो अपोजिट साइड है। फिर मैंने आपको कहा था कि अगर इसके इस साइड पर, अगर इसके इस साइड पर ग्रोथ ज्यादा होगी तो ये स्टेम क्या करेगा, ये स्टेम जो है वो से फॉर एग्जाम्पल ये इस तरफ बेंड कर जाएगा, सही। फिर अगर इसके इस साइड पर ग्रोथ ज्यादा होगी सेल की, तो ये स्टेम किस तरफ बेंड कर जाएगा, ये इस तरफ बेंड कर जाएगा ऐसे, फिर ऐसे बेंड कर जाएगा। तो इस तरह से जो मूवमेंट होती है इसको हम जिगजैग कह रहे हैं, यूं जो है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ऐसे जिगजैग। तो द ग्रोथ इन द एपेक्स ऑफ यंग स्टेम टेक प्लेस इन जिगजैग मैनर, मतलब नोटेशन के अंदर जो एपेक्स होता है यंग स्टेम का, जो एपेक्स है उसमें ग्रोथ कैसे होती है, जिगजैग मैनर में होती है, और उसकी वजह भी बताइए क्यों होती है, ड्यू टू अल्टरनेट चेंज इन ग्रोथ रेशो, यानी ग्रोथ रेशो में अल्टरनेट चेंज आता है, कभी एक साइड ज्यादा ग्रो करता है तो कभी दूसरा साइड ग्रो करता है, ऑन अपोजिट साइड ऑफ द एपेक्स, यानी एपेक्स की जो अपोजिट साइड है ये इधर पर अल्टरनेट चेंज आता है, उसकी वजह से इस तरह की मूवमेंट जो है होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेटेशन। अ नेटेशन मूवमेंट मे बी सर्कम नेटेशन व्हेन एपेक्स ऑफ एपेक्स मेक रोटेशनल ग्रोथ अराउंड द लॉन्ग इट्स एक्सिस, मतलब सर्कम नेटेशन क्या होगी, देखो एक न्यूटेशन वो होती है जिसको हम कह रहे हैं सरकम न्यूटेशन, सरकम न्यूटेशन क्या होगी, बस जब आपने देखा होगा कुछ बेलें ऐसी होती हैं उनका स्टेम अपने एक्सिस पर ऐसे राउंड राउंड मूव ऐसे लिपटा हुआ होता है, यू मूव करता है ऐसे, जब होगा ना वो अपने एक्सिस के ऊपर यानी अपने सेंट्रल एक्सिस पर, जब कोई स्टेम जो है वो क्या करेगा, वो रोटेशनल ग्रोथ करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे देखो ना यू रोटेशनल ग्रोथ है, रोटेट करेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऐसी जो है वो उसको हम सर्कम रोटेशन कहेंगे। और सर्कम रोटेशन हमें एक बेल होती है जिसको हम कहते हैं रेलवे क्रीपर, बेल होती है रेलवे क्रीपर, रेलवे क्रीपर में ये हमें ऐसे नजर आती है। रेलवे क्रीपर के अलावा भी कुछ बेलों में आपको ऐसे सर्कम सा सर्कम रोटेशन ऐसे नजर आएगी कुछ। तो इट वॉज ऑल अबाउट नेटेशन, ये ग्रोथ मूवमेंट में हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा नेटेशन। अब नेटेशन के बाद दूसरे नंबर पर आ जाते हैं ग्रोथ मूवमेंट की, दूसरी जो एग्जाम्पल है वो है नास्टिक मूवमेंट। अच्छा नेटेशन जो होती है ये स्टेम में होती है, और जो नास्टिक मूवमेंट होती है ये कहाँ होती है, ये लीव्स के अंदर होगी या पेटल में होगी, पहला डिफरेंस आपने ये याद रखना है, नेटेशन हमेशा स्टेम में होगी जो यंग स्टेम होते हैं, और ये नास्टिक मूवमेंट किसमें होगी, पेटल या लीव्स के अंदर जो है वो होती है। अब देखें आपकी बुक में नास्टिक मूवमेंट के हवाले से क्या लिखा हुआ है, मूवमेंट दैट अकर ड्यू टू डिफरेंट इन रेट ऑफ ग्रोथ ऑन टू अपोजिट साइड ऑफ प्लांट ऑर्गन, ये भी सेम वही है जो आपने डेफिनेशन उसकी पढ़ी थी, किसकी, जो आपने ग्रोथ मूवमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है उसी तरह से, कि ये मूवमेंट भी जो है वो कैसे जो है वो प्लांट का जो ऑर्गन होता है उसके टू डिफरेंट साइड पर ग्रोथ के डिफरेंस होने की वजह से होता है, और इसकी डेफिनेशन तो इसकी सेम वो ये, लेकिन ये जो होती है ये तमाम ऑर्गन में नहीं होती है, किसमें होती है, लीव्स के अंदर होती है, या फिर क्या होती है, किसके अंदर होती है, ये जो है वो पेटल के अंदर होती है। अब नास्टिक मूवमेंट क्या है, मूवमेंट, ये भी ग्रोथ मूवमेंट ही की बात हम करेंगे, तो मूवमेंट दैट अकर ड्यू टू डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ द ग्रोथ The rate of the growth on to opposite side of leaves
और पेटल, यानी वहां पर तो स्टेम का था और यहाँ पर जो अपोजिट साइड है वो किसका है, लीव्स या पेटल के अपोजिट साइड पर ये होगा। अब इसकी अगर मैं आपको नास्टिक मूवमेंट जो होता है, नास्टिक मूवमेंट को फर्दर, मैंने आपको नास्टिक मूवमेंट की एग्जांपल तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये एक फ्लावर है। फ्लावर के अंदर बहुत सारे पेटल्स होते हैं, मैं सिर्फ दो पेटल्स यहाँ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये फ्लावर है और ये फ्लावर का क्या है, ये फ्लावर का पेटल है। चलिए, ये फ्लावर का पेटल। अब इस फ्लावर के ऊपर वाले हिस्से को मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ इसका ही अपर साइड है। ये इसका कौन सा साइड है, ये है इसका अपर साइड। और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको कह रहा हूँ इसका कौन सा वाला साइड है, ये लोअर साइड कह रहा हूँ इसका। देखो जब लोअर साइड की तरफ सेल की ज्यादा ग्रोथ होती है, देखो अब ये ब्लैक ब्लैक शो कर रहा हूँ कि लोअर साइड की तरफ सेल ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। जब लोअर साइड की तरफ सेल ज्यादा ग्रो करते हैं तो क्या होता है, ये फ्लावर जो है, ये फ्लावर ऐसे क्लोज होगी हो जाता है। ये देखो ऊपर की तरफ मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ये बंद हो गया। यहाँ पर बना देता हूँ, ये फ्लावर बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, क्योंकि इसके कौन से वाले साइड, उसके नीचे वाले साइड ज्यादा ग्रो कर रहे थे, ये नीचे पे। फिर क्या होता है जब इसके ऊपर वाले साइड ज्यादा ग्रो करना शुरू करते हैं, ये वाला हिस्सा जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, अभी ये ज्यादा ग्रो करना शुरू करेगा तो ये दोबारा क्या हो जाएगा, ये दोबारा ऐसे ओपन हो जाएगा। ये लाइन से दोबारा क्या हो गया, ये ओपन हो गया, क्योंकि इसके अपर साइड ने ज्यादा क्या किया, ग्रो किया। तो देखें इस मोमेंट को हम कहते हैं नास्टिक मोमेंट। अभी मैंने आपको पेटल की एग्जाम्पल दी है, लीव्स के अंदर भी होता है ऐसा। मूवमेंट डेट अकर ड्यू टू डिफरेंसेज इन रेट ऑफ ग्रोथ ऑन टू अपोजिट साइड ऑफ लीव्स एंड पेटल्स, दिस इज कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट। अच्छा, अब नास्टिक मूवमेंट जो है उसकी भी कितनी टाइप्स हैं, नास्टिक मूवमेंट की भी टू टाइप्स होती हैं। यहाँ पर नास्टिक मूवमेंट की भी जो है वो टू टाइप्स हैं। नास्टिक मूवमेंट की अगर टू टाइप्स की बात करें तो एक होता है जिसको हम कहते हैं एपी नास्टिक, एपी नास्टी, और दूसरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइपो नास्टी। दोनों चीजें मैं अभी आपको बता चुका हूं, ऊपर जो एग्जांपल दी थी एपी नास्टी और हाइपो नास्टी। व्हेन मूवमेंट इज ड्यू टू फास्टर ग्रोथ ऑन द अपर साइड ऑफ ऑर्गन इट इज नोन एज एपी नास्टी। यानी जो अपर साइड ऑर्गन का, जो अपर साइड है मैंने आपको बताया था, ये जो पेटल है, इस पेटल का कौन सा वाला साइड, ये साइड अपर है। जब अपर साइड के अंदर जो है वो ज्यादा ग्रोथ होगी, जब ग्रोथ कौन सी वाली साइड पर ज्यादा हो रही हो, जब ग्रोथ जो है वो अपर साइड पे ज्यादा हो रही हो, तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ऐसी मूवमेंट को हम कहेंगे एपी नास्टी। और एपी नास्टी की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होती है ओपनिंग ऑफ पेटल। पेटल जो है वो क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं, मतलब फूल जो है वो खिलता है। फूल जो खिलता है वो किसकी वजह से खिलता है, वो खिलता है बेसिकली जो है वो एपी नास्टी की वजह से जो है वो खुलता है, खिल जाता है। इसी तरीके से जो हाइपोनास्टी होती है, हाइपोनास्टी किसकी वजह से होगी, जो लोअर साइड है ये जब ज्यादा ग्रो करेगा तो इसको हम कहेंगे, लोअर साइड ज्यादा ग्रो कर रहा है तो इसको हम कहेंगे हाइपोनास्टी, और इसकी वजह से क्या होती है, क्लोजिंग ऑफ पेटल्स होती हैं। पेटल्स क्या हो जाती हैं, पेटल्स जो है वो क्लोज हो जाती हैं, जब क्या होती है, जब हाइपोनास्टी जो है वो होती है। अच्छा, अब एक और चीज आपकी बुक में जो दी हुई है, ये तो मैंने आपको फ्लावर की बात कर बताई है, इसके अलावा अगर आप फर्न जो होते हैं, फर्न्स आपने पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर के अंदर, एडियंटम का प्लांट पढ़ा था जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर, जो टेरिडोफाइट्स प्लांट पढ़े थे, तो उसमें आपने फर्न्स के बारे में भी पढ़ा होगा। तो फर्न्स के जो लीव्स होते हैं, फर्न्स के अगर मैं यहाँ लीव्स बनाऊं ऐसे, एग्जैक्टली उस तरह से नहीं बना रहा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं,
अब ऐसे ना इसके इसके लीव्स ऐसे क्वाइल्ड होते हैं ऐसे यूं, अगर आप देखेंगे ना फर्न के लीव्स इस तरह से क्वाइल होते हैं। ऐसी क्वाइलिंग को हम क्या कहते हैं, जो ऐसी क्वाइलिंग होती है इसके लिए आपकी बुक में लिखा हुआ है सरसिनेटली क्वाइल्ड, यानी जो जो फर्न के जो लीव्स होते हैं, फर्न प्लांट जो होता है, ओपनिंग एंड पेटल एंड सरसिनेटली क्वाइल्ड लीव्स ऑफ फर्न। ये देखो फर्न जो है ये इसके जो लीव्स हैं इस वक्त ये कैसे क्वाइल्ड हैं, दे आर सरसिनेटली, को क्या कह रहे हैं, सरसिनेटली क्वाइल्ड, ये ऐसे क्वाइल्ड होते हैं। अब ये क्यों क्वाइल्ड होते हैं इस तरह से, क्योंकि इनका जब लोअर साइड वाला ये नीचे वाला एरिया की ग्रोथ ज्यादा हो रही होती है तो ये ऐसे क्वाइल हो जाते हैं। ये देखो ऐसे ये ग्रोथ नीचे की तरफ ज्यादा है तो ये क्वाइल हो गए। अब क्या होता है फिर, चलो नीचे की तरफ की ग्रोथ तो इतनी नहीं हो रही, अब क्या होता है कि इसके लीफ का जो अपर साइड है, अपर साइड अभी मैं किसको कहूंगा, मैं अपर साइड इस वाले एरिया को कह रहा हूँ यहाँ, फिर जब ये अपर साइड ग्रो करता है ये नीचे वाला जी ऐसे नीचे वाला ये जो अपर साइड है ये इससे अपर, इसकी जब ग्रोथ होती है तो ये लीफ क्या हो जाता है, ये लीफ पहले जो क्वाइल थे अब ऐसे ये खिल जाते हैं, ओपन हो जाता है ऐसे। अपर साइड जब ग्रो करेगा तो ये लीफ ऐसे क्या होगा, ये ओपन होगा। तो यानी इसके अंदर लीव्स के अंदर भी ये एपिनास्टी और हाइपोनास्टी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और ये किसके अंदर ज्यादा बेहतर तरीके से, सरसिनेटली क्वाइल्ड लीव्स होते हैं किसके, फर्न के, उनमें ये जो है वो बेसिकली ऑब्जर्व की जा सकती है। तो मैं बात कर रहा था ग्रोथ उसकी ऑटोनोमिक मूवमेंट की, और ऑटोनोमिक मूवमेंट आपको बताया था दो दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है ग्रोथ मूवमेंट और एक होती है टर्गर मूवमेंट। चलें फिर दोबारा उसी तरफ चल देता हूँ जो मैं आपको बता रहा था। मैंने आपको सबसे पहले तो बताया था कि जो मूवमेंट होती है प्लांट्स के अंदर वो दो टाइप की होती हैं, एक ऑटोनॉमिक होती है और एक कहा था कि दूसरी जो है वो कौन सी होती है, पैराटोनिक होती है। ऑटोनॉमिक इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होती है, पैराटोनिक एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती है। फिर बताया था कि ऑटोनॉमिक भी दो तरह की होती है, एक ग्रोथ मूवमेंट होती है और एक जो है वो टर्गर मूवमेंट होती है। ग्रोथ मूवमेंट भी दो तरह की होती है, एक को कहते हैं नटेशन, एक को कहते हैं नास्टिक, और नास्टिक भी दो तरह की होती है, एक एपिनास्टी और एक होती है हाइपोनास्टी। ये वाला पोर्शन हम कवर कर चुके हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैंने आपको पूरा पार्ट बता दिया। अब जो रह गया है वो ये टर्गर मूवमेंट रह गया थोड़ा सा, इस टर्गर मूवमेंट को हमने डिस्कस करना है। ये टर्गर मूवमेंट जो है वो क्या होती है, मूवमेंट दैट अकर ड्यू टू चेंज इन, ये क्यों होती है, ड्यू टू चेंज इन टर्जिडिटी एंड साइज ऑफ सेल्स as a result of loss and gain of water। आपको टर्जिडिटी पता है ना, जब किसी प्लांट के सेल में या बहुत ज्यादा वाटर जमा हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, टर्जिडिटी। अब मिसाल के तौर पे देखो ये एक प्लांट है, ये प्लांट का स्टेम है और ये प्लांट के क्या है, ये प्लांट के लीफ है। अभी देखो लीफ किस पोजीशन में, ऐसे वर्टिकल पोजीशन में लीफ है, क्योंकि जो यंग स्टेम होते हैं अक्सर इनके स्टेम वर्टिकल पोजीशन में क्यों है इसका स्टेम, क्योंकि इसके जो सेल्स हैं, इसके सेल्स के अंदर क्या भरा हुआ है, इसके सेल्स के अंदर पानी भरा हुआ है। ये देखो इसके सेल्स में पानी भरा हुआ है, सेल ने इसको टर्जिट किया हुआ है, सेल ने क्या किया हुआ है, इसको टर्जिट किया हुआ है। अभी सेल के अंदर पानी भरा हुआ है और सेल ने इसको टर्जिट किया हुआ है तो ये क्या है, ये अपराइट पोजीशन पर है। अभी इस वक्त सेल क्या है, इसके टर्जिट है। लेकिन क्या होता है कि अगर इसकी टर्जिडिटी खत्म हो जाती है, अब ये देखें, अब अगर इसमें से पानी निकल जाए, इसकी टर्जिडिटी खत्म हो जाए,
तो इसके लीफ क्या होंगे, ऐसे नीचे गिर जाएंगे, ऐसे ये गिर गए, ऐसे नीचे गिर गए, फिर दोबारा इसमें टर्जिडिटी आ जाए तो इसके लीफ दोबारा स्ट्रेट हो जाएंगे। देखो ना, अब ये जो मूवमेंट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, टर्जिडिटी की वजह से हो रही है। एक ये भी तो मूवमेंट है, पहले नीचे हो गए फिर सीधे हो गए, वर्टिकल हो रहे हैं फिर हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं, तो ये भी एक मूवमेंट है। और ये मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है, टर्गर प्रेशर की वजह से हो रही है। जब पानी भरता है तो लीव सीधे हो जाते हैं, जब पानी निकल जाता है तो लीव गिर जाते हैं। तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड टर्गर मूवमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, टर्गर मूवमेंट कहते हैं। अगर आपके घर में सदाबहार का पौधा है तो आपने अक्सर देखा होगा सदाबहार के पौधे को जब आप पानी नहीं देते तो उसके पत्ते सारे ऐसे नीचे गिरे हुए होते हैं, फिर जैसे ही आप उसको पानी देते हो उसके सेल के अंदर पानी जाता है तो उसके पत्ते दोबारा सीधे हो जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टर्गर मूवमेंट कहते हैं। तो आज जो हमने डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया ऑटोनॉमिक मूवमेंट, आज जो टोटली मैंने आपको बताई है ये ऑटोनॉमिक मूवमेंट बता दी है। अब कल जो डिस्कस करेंगे वो कौन सी वाली मूवमेंट करेंगे, कल पैराटोनिक मूवमेंट डिस्कस करेंगे। आज हमने प्लांट मूवमेंट का सिर्फ एक पार्ट अभी डिस्कस किया है, और वो कौन सा है, ऑटोनॉमिक मूवमेंट, जो इंटरनल स्टिमुला यानी अंदर से कोई चेंज आता है। अब पानी अंदर से भर जाता है ना, अंदर से चेंज आ रहा है जिसकी वजह से ये मूवमेंट हो रही है, ग्रोथ भी इंटरनली होती है, कोई हार्मोन रिलीज होते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ होती है, तो ये मूवमेंट जो है वो क्या कहलाती है, ये कहलाती है ऑटोनॉमिक मूवमेंट। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर जो है वो सर,